आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। मैं एक बार 15 दिन के लिए जेल में रहकर आया हूं। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो हमें जेल जाने से नहीं डरना है। हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया था मैंने। कोई अपनी चौकीदारी की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता है। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जो अपनी मर्जी से 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया था मैंने। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच मुझे नहीं है। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। अपने सभी विधायकों पार्षदों से भी चर्चा की थी। आज अपने कार्यकर्ताओं से मैंने एक बात कही है। साथ ही केजरीवाल ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आज से सोच लेना है कि लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यही लोकसभा का चुनाव का प्रचार है, ऐसा मानकर चलना है और एक एक घर में जाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट बीजेपी जीतने ना पाए। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया, मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तब इनको ये तो पक्का हो गया भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,